हेलो फिफ्थ बी क्लास स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर मिसेस पूनम कुमारी। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू योर फर्स्ट टर्म चैप्टर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लेसन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली ऑल ऑफ यू नो लिसन सो मेनी टाइम दिस सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग। सो सॉफ्टवेयर बेसिकली इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और यू कैन से सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एक्सप्लेनेशन। वी ऑल रिएक्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट सिचुएशंस। हम सब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। हैव यू एवर थॉट हाउ, क्या कभी तुमने सोचा ऐसा क्यों होता है? हाउ इट बिकम्स पॉसिबल, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। वॉट हैपन्स वैन योर टीचर आस्क अ क्वेश्चन। क्या होता है जब तुम्हारा टीचर तुमसे क्वेश्चन पूछता है? अगर तुम्हें आंसर पता है एंड यू नो इट्स आंसर, यू सिंपली रेज योर हैंड। आप सिंपली अपना हाथ खड़ा कर देते हो, इजेंट इट? होता है ना ऐसे। सो वॉट प्रॉम्प्ट्स यू टू रेज योर हैंड्स? ऐसा करने के लिए तुम्हें कौन उकसाता है? इट इज़ द ब्रेन दैट गिव्स यू द इंस्ट्रक्शंस टू रिएक्ट इन दिस मैनर। तो ये आपका दिमाग है, ब्रेन है, जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि हाँ तुम्हें पता है तो फटाफट हाथ खड़ा कर दो। सिमिलरली अ कंप्यूटर गेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। ऐसे ही जो कंप्यूटर है उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि अभी हमने इस पर क्लिक किया तो वो फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है, तो सेव कर देगा फाइल लाइक दैट वे। तो उसको भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है। कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म वेरियस टास्क। बहुत अलग अलग तरह से काम करता है कंप्यूटर में, लाइक यू आर प्लेइंग गेम्स ऑल्सो, यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स ऑल्सो, यू आर सेविंग फाइल्स ऑल्सो। सो मैनी वर्क्स आर देयर विच यू आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर। सो होल दिस वर्क विल बी डन बाई द प्रोग्रामिंग। दैन प्रोग्राम्स इज द सेट ऑफ यू कैन से इंस्ट्रक्शंस विच इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर, विदाउट विच इट कैन नॉट एग्जिस्ट। सो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। जैसे कि सोल, जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, ऐसे कंप्यूटर की भी आत्मा एक तरह की। ओके, कंप्यूटर की विदाउट दिस वन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। कंप्यूटर, वॉट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट डज नॉट पोसेसेस एनी इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ऑन। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसमें अपने आप में इंटेलिजेंट नहीं होता। उसको इंसान ने बनाया, तो इंसान से ही बना है कंप्यूटर। सो इट्स दैट्स वाई इट इज़ नॉट, इट हैज़ नॉट इंटेलिजेंस इट्स ऑफ इट्स ओन। मीन्स उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। ए कंप्यूटर विदाउट इंस्ट्रक्शंस लाइक अ कार विदाउट अ ड्राइवर। सो इफ यू आर नॉट गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। लाइक अगर कार को चलाने के लिए ड्राइवर ही नहीं तो कार कैसे चलेगी? इट रिक्वायर्स द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूज़र टू वर्क ऑन। तो यूज़र जो है, जो हम हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर यूज़ करते, हम यूज़र हुए, तो अब हम उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस चाहिए चलने के लिए। दीज सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। और ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्राम्स, विच आर रिटन इन द कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर की भाषा में ही लिखे जाते हैं। कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आपने कभी सुना कि जावा कंप्यूटर लैंग्वेज है, सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, सो मैनी लैंग्वेजेस आर देयर। जैसे कि हम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उड़िया, उर्दू, जैसे हमारी बहुत सारी भाषाएं हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट आर स्टोर्ड एंड रन ऑन द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर ही है जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को मिला के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, और कंप्यूटर हमारा उस तरह से फिर हार्डवेयर, हार्डवेयर के जैसे सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये सारा हार्डवेयर के पार्ट्स हैं। तो इनके थ्रू हम इस सॉफ्टवेयर को चलाते हैं एंड हेल्प यूजर टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। सो इन दिस वे वी इट विल हेल्प अस टू वर्क ऑन द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। सो सॉफ्टवेयर को कभी भी आप टच नहीं कर सकते। यू कैन नॉट, लाइक हार्डवेयर में कीबोर्ड मॉनिटर यू कैन टच ना एंड यू कैन, बट सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच्ड और सीन, यू कैन से। सॉफ्टवेयर इज ऑफ टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो वी रीड इन डिटेल कि वॉट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट वी विल सी दिस पार्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। सो फर्स्ट वी सी वॉट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स द ओवरऑल ऑपरेशंस एंड इंटरनल वर्किंग ऑफ द सिस्टम। तो जितना भी कंप्यूटर का काम है, सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो यू कैन से सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इज़
रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर की सारे जो काम है, इंटरनल काम है, सारे कौन करता है? दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर हम बेसिकली, आप जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो आपको विंडोज़ दिखाई देती है पहले. विंडोज़ जैसे आप स्कूल में एक्स्ट्रा मार्क्स ओपन करते हो, लाइनक्स आता है. तो दैट विंडोज़ एंड लाइनक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट रीड्स डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड ट्रांसफर्स द प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन टू द आउटपुट डिवाइसेस. तो ये डाटा रीड करता है और उसी डाटा को आगे ट्रांसफर करता है, जिससे कंप्यूटर पढ़ के उसको आउटपुट डिवाइसेस में हमें शो करता है. लाइक वी विल टाइप द डाटा एंड डाटा इज इनपुट इन टू द कीबोर्ड टू द सीपीयू. आगे उसको उसको पास कर देगा मोनीटर को, एंड मोनीटर शो अस दैट डाटा ऑन द स्क्रीन. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज ऑफ थ्री मेन टाइप. सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन पार्ट टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड इज लैंग्वेज प्रोसेसर, एंड थर्ड इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सो लेट सी, फर्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज नीडेड टू ऑपरेट ए कंप्यूटर. सो जब भी आप कंप्यूटर, कभी भी न्यू कंप्यूटर लोगे या कभी भी कोई भी कंप्यूटर चलाओगे, सबसे पहले उसको ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम. जैसे आप मोबाइल फ़ोन है आपके, मोबाइल फ़ोन में आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो? एंड्रॉयड्स, ठीक है. अब नोकिया के फ़ोन हैं जो उसमें विंडोज़ यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. वैसे ही अब हमारे पास सैमसंग वगैरह, इनमें हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं. ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर में हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, लाइनक्स यूज़ करते हैं. सो दिस दैट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. इट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ए कंप्यूटर. क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपने प्रिंटिंग करानी है, टाइपिंग करानी है, ये सारा कुछ, या सॉन्ग सुनने, सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. इट एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर. ये हमारे बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है, एंड एनेबल्स देम टू वर्क टुगेदर. और हमें और कंप्यूटर दोनों को आपस में हम कैसे काम कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से. When the computer is switched on, जब हम computer on करते हैं सबसे पहले, the operating system is the first program that gets loaded in its memory. तो सबसे पहले जब हम computer on करेंगे तो आपको windows दिखाई देगी. मीन सबसे पहले क्या computer में load होगा? operating system. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल. जैसे आपकी प्रिंसिपल स्कूल में काम करती है. प्रिंसिपल का काम क्या है? प्रिंसिपल के बहुत सारे काम है. एज प्रिंसिपल हैज़ वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैनेज द स्कूल, लाइक सुपरवाइजिंग द स्टूडेंट्स को देखना, टीचर्स को देखना, वर्कर्स को देखना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना, सेटिंग द एग्जामिनेशन शेड्यूल बनाना, टाइम टेबल, करिकुलम, एंड अटेंडिंग टू द पेरेंट्स एंड विजिटर्स एक्सेट्रा. ये सारे काम कौन करता है? हु इज वर्किंग बिहाइंड द स्कूल ऑल द मैनेजमेंट, दैट इज अवर प्रिंसिपल. सो इन द सेम मैनर एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस टू मैनेज टू द कंप्यूटर. ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में जो मेन फंक्शन है, जो मेन सारे काम है, कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. एक तरह से हमारे कंप्यूटर का क्या है? प्रिंसिपल है. सो इमेजिन वॉट विल हैपन इफ देर इज नो प्रिंसिपल इन अ स्कूल. और अगर आप इमेजिन करो, अगर प्रिंसिपल ना हो स्कूल में तो क्या स्कूल चलेगा? नहीं ना. सो एवरीथिंग विल बी मिसमैनेज्ड. सो इन सिमिलरली, इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा तो बाकी सारे प्रोग्राम्स आपके, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे गेम्स, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही प्रॉब्लम आ गई. सो यू कैन नॉट वर्क ऑन इट. सो सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर लाइक माइक्रोसॉफ्ट MS DOS means Microsoft Disk Operating System, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Unix, Linux, Mac. Examples of some popular operating system, like nowadays we are using Windows 10 operating system. Now we'll see what are the functions of operating system के काम क्या क्या है. So operating system का first main काम है device management. Device management means हम जो हमारे computer की devices हैं, like keyboard, प्रिंटर, मोनीटर, ओके, स्पीकर, ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. सो दीज आउटपुट एंड इनपुट डिवाइसेस को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन से इट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट इज मेमोरी मैनेजमेंट. एज यू नो, वट एवर वर्क वी आर डूइंग ऑन द कंप्यूटर, दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. देन हाउ इट विल स्टोर? द मेमोरी मैनेजमेंट इज लुकिंग आफ्टर इट. सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम असिस्ट assigns memory to the various program whenever required. It also frees the memory when it is not in use. The next is run software. It is running the software also, which software you are installing, like Paint, Microsoft Word, PowerPoint, etc. All these software will be run by the operating system. Processor management. An operating system manages the working of the processor by allocating various jobs to it. So if we are giving various jobs
to the computer, like while printing we are typing also. So side by side it will do all the jobs that is done by processor management. फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कीप्स द ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन. अगर हमने कोई फाइल क्रिएट करनी है, लाइक वी आर डिलीटिंग ऑल्सो, वी आर ट्रांसफरिंग द फाइल ऑल्सो, वी आर कॉपिंग द फाइल्स ऑल्सो, एंड वी आर स्टोरिंग द फाइल्स ऑल्सो इन आर ऑर्गेनाइज वे, दैट विल बी डन बाई द फाइल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. सो ऑल्सो इट विल हेल्प अस टू सिक्योर अवर, सो यू नो वैन वी आर स्टोरिंग अवर फाइल्स वी नीड द डाटा सिक्योरिटी. डाटा सिक्योरिटी इज द मेन पर्पज to store data in the computer, so it provides us the security also ki anybody cannot be misuse of our data. So this is the work of functions of operating system. Okay, now we'll see types of operating system. There are various types of operating system, bahut tarah ke hote hain. First, like single user operating system allows only one user to use computer system at a given time. This is the most common type of operating system that is used in homes or schools. आप घर में या स्कूल में जो भी कंप्यूटर रखते हो उसमें सिर्फ आप एक ही एक टाइम पे एक ही पर्सन काम कर सकते हैं. ऐसे टाइप के कंप्यूटर्स को हम कह सकते हैं दैट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर. मल्टी यूजर मीन्स एट वन टाइम विद वन CPU 10 कंप्यूटर्स कैन कनेक्ट. लाइक यू हैव सीन इन योर कंप्यूटर लैब, कंप्यूटर लैब में कितने कंप्यूटर अटैच है. एक कंप्यूटर हम CPU ऑन करते तो उसके साथ 10 कंप्यूटर अटैच होकर चल पड़ते हैं. यू हैव सीन ना, सो दैट इज मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स एज सिस्टम एट द सेम टाइम. मीन मल्टीपल यूजर्स एक ही टाइम पे एक कंप्यूटर से काम कर सकते हैं. दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू द मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क. जो मेन कंप्यूटर है, मेन CPU है, उसके साथ आप 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हो. द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द वेरियस नीड्स एंड रिक्वेस्ट टू ऑल द यूजर साइमल्टेनियसली. तो एक ही टाइम पे वो अलग अलग जितनी भी नीड्स हैं यूजर्स की, अकॉर्डिंगली इट विल हेल्प द यूजर टू वर्क ऑन दैट. लाइनक्स एंड यूनिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. सो दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स एंड यूनिक्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, एंड विंडोज ऑल्सो इन्वॉल्विंग इन दैट. In this type of system, resources, the main computer are shared among the users. So main जो computer है वो सारे computers के साथ हम share करते हैं. For example, in computer lab, a single printer is attached with all the computer devices. It means अगर आपकी lab में एक printer है और आप 10 जने एक computer पर बैठे, वो same printer से सारे 10 के 10 लोग एक ही time पर printer से आप command दे सकते हो कि first computer वाला भी printing निकाल सकता है, second computer वाला भी उसी printer से निकाल सकता है, third वाला भी, fourth. So up to 10, all the persons which are sitting on the computer, they can use one printer at the same time. So this is multi-user. Next is multitasking. Multitasking operating system allows a user to run more than one application program at the same time. So it is using the more than one system at the same time. Means we can use more than, like you are while typing in the word, you can listen the songs also. In multitasking, the operating system keeps track of the program you are in and allows you to switch from one program to another without losing information. बिना information गवाए या बिना information किया आप एक से दूसरे program में switch कर सकते हो. Like अगर मैं यहाँ पर इसको minimize कर दूँ, ठीक है, इसी को minimize करते करते मैं दूसरा program भी चला सकती हूँ, यहाँ से कोई भी file खोल सकती हूँ. This is the multitasking, you can say. So for example, by writing a letter your friend, you can enjoy music at the same, like yeah, main aapko yahan pe typing karte karte I can listen the songs also side by side. So this is multitasking. You may also send the print request to the printer while doing all the work tasks. While typing or while doing other work, you can do printing request also to the printer. For example, Windows is a multitasking operating system. Windows is multitasking operating system. So these are the types of operating systems. So today up to here only it is enough. So you will also read it, take the reading of this chapter, all the lines you have to read, which words you feel it is difficult to understand or lines, underline it, find the meanings, and if any question you want to ask me, you can type in the group and ask ma'am what is the meaning of this line or that, then I can send the answers in that group. So thank you students, try to read up to here, do the reading. So reading is compulsory, so do reading at your level best. Thank you. I will send the next explanation in the next lecture. Thank you, students.